भागलपुर के लाल ने कमाल कर दिया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भागलपुर के कुतुबगंज निवासी मुकेश कुमार ने लगातार 2.5 घंटे तक 4040 पुशअप लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। मुकेश ने साल 2022 में 2500 पुशअप लगाया था। वर्तमान में मुकेश एनसीसी 4th बिहार बटालियन में प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत है। मुकेश का बचपन गरीबी में गुजरा है। बचपन में पिता की मौत के बाद घर की हालत खराब हो गई थी। कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभालने के साथ मुकेश ने भागलपुर तिलकामांझी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मुकेश कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भागलपुर पहुंचे सौरभ के सामने मुकेश कुमार लगातार 2.5 घंटे तक 4040 पुशअप लगाया। इसको लेकर शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सुबह से ही तैयारी की गई थी। मैदान को गुब्बारों से सजाया गया था। वहीं मुकेश को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। रिकॉर्ड बनाने के बाद मुकेश के साथ सेल्फी लेने वालों की भी भीड़ लग गई। हमारे गुरु जी हैं दीपक सिंह और हमारे अंकल मीका और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, फिर इस बार 4000 प्लस हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया जी। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरु जी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। खाना पीना क्या होता है आपका? खाना पीना तो जो नॉर्मली है दूध। मेहनत, शरीर पे मेहनत करते हैं। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए संदेश है कि अगर आप करते रहिएगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका था, उस स्थिति में हम बिच मार रहे हैं। हमारे पास अभी रिपोर्ट भी है MRI का। मेरा नाम सौरभ कुमार सिन्हा हुआ, मैं एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आया हूं। आज मुकेश कुमार जिन्होंने आज 4040 पुशअप मार कर एक पूरे एशिया में एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उन्होंने एक बनाया है, उसी के मैं एक एडजुडिकेटर के पद पर आज मैं ये आया हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से। भागलपुर के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा विश्व राउत पुल के संपर्क पर सोमवार की सुबह दो अलग अलग जगहों पर 3 सड़क हादसे में 1 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 घायल का इलाज चल रहा है। पहली घटना प्रताप नगर कदवा के पेट्रोल पंप समीप एक खड़ी हाईवा में मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से धक्का मार दिया, जिसे गिरने के बाद माथे पर गंभीर रूप से चोट लगने से जख्मी हो गए, जिसका इलाज स्थानीय चिकित्सकों से कराई जा रही है। इलाजरत मोटरसाइकिल चालक घोगा थाना अध्यक्ष क्षेत्र के सुधीर मंडल का पुत्र रुदल कुमार बताया जा रहा है। उधर मिलन चौक समीप पश्चिमी देश पर एक खड़ी हाईवा में पीछे से आ रही एक ट्रक ने धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद ट्रैक्टर चालक पीछे हटकर भागने का प्रयास ही कर रहा था कि नौगछा 0 माइल की तरफ से आ रही दूसरी हाईवा ने ट्रैक्टर के ट्रॉली में धक्का मार दिया, जिसके बाद हाईवा चालक गाड़ी छोड़कर ही फरार हो गए। हाईवा का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर ट्रैक्टर चालक ने अपना ट्रैक्टर लेकर भाग गए। वहीं मिलन चौक के ही आमने सामने पूर्वी लेन पर एक कार चालक ने वृद्ध को जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद गिरे वृद्ध का मौके पर ही मौत हो गया। मृतक बोरबा टोला कदवा निवासी वासुदेव मंडल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वासुदेव मंडल हाथ में पानी भरा लोटा लेकर शौच के लिए सड़क पार कर रहे थे, जिस दौरान भटगामा 0 माइल की तरफ से आ रहे कार ने धक्का मार दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने कार चालक को अपने गिरफ्त में लेकर उमेश सिंह के मकान में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि कमरे में बंद कर रखे कार चालक दरवाजा खोलकर भाग गए। वासुदेव मंडल के मौत के बाद परिजनों के साथ अन्य स्थानीय लोगों ने शव को 4 लेन सड़क पर रख जाम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि व कदवा ओपी थाना के पुलिस साथ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने लोगों को समझा बुझा कर शांत किया। वहीं पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछा भेजा। मृतकों को 3 पुत्र विलास मंडल, जवाहर मंडल,
बबलू मंडल व एक शादीशुदा पुत्री अंजो देवी है। भागलपुर के खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए भागलपुर की बेटी भी ग्राउंड पहुंचकर पसीना बहा रही है। खेल की दुनिया में अपना दम दिखाने के लिए भागलपुर की बेटी रोजाना क्रिकेट पिच पर अपना पसीना बहा रही है। भागलपुर की बेटी टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना लिए शहर का एकमात्र क्रिकेट मैदान सैंडिस कंपाउंड में घंटों नेट पर प्रैक्टिस करती नजर आती है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जहां सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते नजर आते थे, अब लड़कियां भी नेट पर प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। सर, मैं अपने भाई को देखे खेलते हुए, इसलिए भाई को देखते हुए। सपना क्या है? इंडिया खेलने। कब से खेल रही हो? क्लास 8 से। इतने लड़कों के बीच तुम खेल रही हो, क्या बुरा नहीं? यहाँ तो बहुत 50-60 लड़के रहते हैं, बीच में हम अकेले खेलते हैं। क्या लगता है कितना प्रैक्टिस सफल होगा? सर, करते हैं प्रैक्टिस तो सफल तो होना ही एक दिन। बहुत खुशी होता है जब लड़की ग्राउंड में आती है, क्रिकेट खेलती है, कुछ लड़की घट गया है, कोशिश जारी है आगे बढ़ाने का। अभी कितने लड़कियों? 4 लड़की है। किस तरह से वो लोग अपने आप को ढालती है? 16 ट्रायल देने गया था लेकिन बिहार मान्यता के कारण नहीं मिला इन लोग को सिलेक्शन में। लड़कों के हिसाब से कैसा खेल देखने को मिला? अभी बराबर में चल रहा है। उम्मीद है कि ये लोग आगे जरूर 100% आगे बढ़ेगा। तस्वीर में जीन्स पैंट जैकेट और गले में मफलर पहने सुरक्षा गार्ड के साथ घूम रहे जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, वह ना तो कोई नेता है और ना ही कोई बीआईपी, तो फिर क्या है? जो पिस्टौल धारी सुरक्षा गार्ड उसकी सुरक्षा में लगा है। तस्वीरों में दिखने वाला शख्स भागलपुर जगदीशपुर के रहने वाले ईंट भट्टा में मजदूरी करने वाले मजदूर संतोष कुमार को पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उसके जानमाल की रक्षा करने के लिए पिस्तौलधारी सुरक्षा गार्ड मिला है जो 2400 घंटे उसकी रक्षा करेगा। दरअसल गांव के दबंगों के द्वारा संतोष की मां को डायन बताकर लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया जाता था, जिसका विरोध करने पर उसके छोटे भाई मुकेश को दबंगों के द्वारा निर्मम तरीके से मुंह में लकड़ी डालकर 7 महीने पूर्व हत्या कर दी गई थी। साथ ही संतोष को भी लगातार अपराधियों के द्वारा केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। अपराधी हत्या करने के बावजूद पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार है, तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर पटना हाईकोर्ट के द्वारा संतोष को सुरक्षा गार्ड प्रदान किया गया। संतोष ने बताया कि वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, गांव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था। अब वह जब भी काम पर जाएगा अपने साथ बिहार पुलिस का एक पिस्तौल धारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। ईंट भट्टा में काम करने वाला मजदूर संतोष ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने मेरे 9 साल के भाई की हत्या कर दी थी। वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी माँ को सभी लोग डायन बोलकर प्रताड़ित करते थे और मैं इसके लिए थाने में केस दर्ज किया था। साथ ही मेरा 9 वर्ष का भाई जगदीशपुर के दबंगों से इस बात को लेकर बहस कर लिया था कि मेरी माँ को आप लोग डायन कहकर प्रताड़ित क्यों करते हैं। इसके चलते ही मेरे भाई की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। संतोष और उसकी माँ काफी डरी सहमी रहती है। संतोष का कहना है कि अभी तत्काल तो मुझे बिहार पुलिस के जवान सुरक्षा में मिल गए हैं, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है क्योंकि दबंग काफी आपराधिक किस्म का है, वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं कई महीनों डर से अपना काम छोड़ दिया था, जिसके चलते काफी आर्थिक तंगी भी आ गई। अब गार्ड मिला है तो अब फिर से काम शुरू करूंगा। सर, जरूरत ये पड़ गई कि मेरे माई को डायन करके पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरे 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी SP DSP जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है, DGP तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई अनुशासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है, बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया, मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करने। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए, समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले,
जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मरा है जरूर उस तरह से देख लीजिए। अभी कहाँ से आपको गार्ड मुहैया कराई गई, कहाँ का चक्कर लगाए तब गार्ड मुहैया कराई? न्यायालय से लगाया सर, भागलपुर से। भागलपुर न्यायालय से? भागलपुर न्यायालय पटना भी से, वहाँ से भी बोला तो बोला ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत ना। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत भागलपुर के आनंद राम ढंढनिया विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में और भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता स्वेता सुमन के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से वर्ष 2018 से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करते आ रहे हैं। इस कड़ी में इस वर्ष देशभर के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में कई जिले से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें भागलपुर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उससे पूर्व जो है एक ड्राइंग कंपटीशन, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का की भावना का विकास हो, तो इस नाते पूरे देश भर में ऐसे ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था। और 27 तारीख को इस ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के बाद एक पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस देश को बनाने में लगे हुए हैं, देश को सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं, देश पुनः विश्व गुरु बने इस भाव के साथ जो काम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ वर्तमान को ठीक करने के साथ साथ भविष्य भी हमारा कैसे बेहतर हो, तो उस बेहतर भविष्य के लिए जो नींव है भारत की आत्मा इन बच्चों में निवास करती है और यही आगे भविष्य होंगे, भारत के भविष्य यही बच्चे होंगे, तो इनके अंदर में कैसे सकारात्मक भाव का बोध हो, विकास हो और इनके माध्यम से फिर आगे भी भारत कैसे विश्वगुरु बने, इस नाते प्रधानमंत्री जी इन बच्चों के साथ निरंतर वो संवाद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के मौके पर भागलपुर के दुर्गाचरण मध्य विद्यालय में बिहार बंगाली समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बिहार बंगाली समिति के सचिव जगजीत घोष, सुगंधा रक्षित डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। रक्तदान शिविर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नेताजी की जयंती के अवसर पर पहली बार रक्तदान किया। इस शिविर में पहली बार रक्तदान करने वाले को समिति के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में शहर के लोगों ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। इस मौके पर बिहार बंगाली समिति के सचिव जयजीत घोष ने कहा कि हम लोग नेताजी के जयंती के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, यह हम लोगों का 15वां रक्तदान शिविर है। जन्म जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं, हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किए गए, 15वां हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है। भागलपुर में रक्तदान की जागरण बिहार बंगाली समिति के द्वारा किया गया है। आज जो भागलपुर में रक्तदान का जो जागरण हुआ है वो बिहार बंगाली समिति का देन है। हम लोग जिस दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किए 25 यूनिट ब्लड लेके हम लोग शुरू किए, आज हम लोग 170-160 यूनिट हम लोग हर साल ब्लड बैंक में जमा करते हैं। और ब्लड बैंक में भी हम लोग को 7 साल से प्राइज, हाइएस्ट प्राइज मिला है हम लोग का ब्लड डोनेशन यूनिट के।